रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी में चल रहे बचाव अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धन सुमन ने बताया कि आज भी बचाव कार्य लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैला जा भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दें। वहीं सीओ गुप्तकाशी ने बताया कि आज लिंचोली, भीमबली, जंगलचट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल अलग अलग पड़ावों पर रुके सभी यात्री सुरक्षित हैं और इन स्थानों पर प्रशासन की ओर से भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि जितने भी यात्री हमारे यहां बारिश के कारण प्रभावित हैं, वो सभी सुरक्षित जगह में और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगलचट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो हैं सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उनका जो आप नंबर नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएँ सोशल मीडिया में प्रसारित ना हो।